और अब बात जिला पंचायत के विजय पथ की। यूपी में जिला पंचायत की लड़ाई सपा और भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए जहां लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ी जा रही है, तो वहीं कुछ पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। क्योंकि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 जुलाई को चुनाव है था, लेकिन अब 3 जुलाई को सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव होगा, क्योंकि जिला पंचायत की 1/4 सीटों पर चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए हैं, जिसमें से भाजपा ने 17 सीटों पर जीत हासिल कर एक बड़ी बढ़त ले ली है। यही वजह है कि सपा बौखलाई हुई है और अब सपा ने 3 जुलाई को होने वाली जंग के लिए अपनी ताल ठोक दी है। मतलब चुनाव होगा और 2022 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की संग्राम की तरह होगा। पंचायत की महाजंग में भाजपा ने दिखाया दम। 1/4 सीटों पर भाजपा का कब्जा, सपा का विरोध, 18 सीटों पर चुनाव निर्विरोध। यूपी का जिला पंचायत चुनाव अपने हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ गया है। नतीजों से पहले यूपी की 1/4 सीटों की तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। भाजपा ने बिना चुनाव लड़े निर्विरोध ही 17 सीटों पर कब्जा जमा लिया। वहीं एक सीट सपा के हिस्से में आई है और अब 3 जुलाई को बची हुई 57 सीटों पर महाटक्कर होगी, जिनमें से 41 सीटें ऐसी हैं जहां सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है, जबकि 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं भदोही में सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो 4 सीटों में 4-4 प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 18 सीटों पर निर्विरोध जीत हुई है और जो पर्चे खारिज हुए हैं, उससे भी कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर चुनाव निर्विरोध ही कराना था तो ऐसे चुनाव की जरूरत ही क्या। निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया, 17 सीटों पर बीजेपी की जो जीत है वो पक्की हो गई है, और अब जो 57 जिले बचे हैं वहाँ पर क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की रहेगी, क्योंकि 41 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर है। उसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। नतीजों से पहले ही भाजपा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुकी है। भाजपा ने 60 पंचायत अध्यक्षों का लक्ष्य तय किया था और जिस तरीके से 1/4 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो चुका है, उससे कहीं ना कहीं उसकी जीत नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के विरोध के बाद भी भाजपा पश्चिमी यूपी में अपने पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। इनमें गाजियाबाद से ममता त्यागी, गौतमबुद्ध नगर से अमित चौधरी, मेरठ से गौरव चौधरी, अमरोहा से ललित तंवर, आगरा से मंजू भदौरिया और मुरादाबाद सीट से डॉक्टर शिवपाली सिंह का नाम शामिल है। वहीं ललितपुर से भाजपा के कैलाश निरंजन, बांदा से सुनील पटेल, चित्रकूट से अशोक जाटव, झांसी से पवन कुमार गौतम और हमीरपुर से जयंती राजपूत की जीत तय है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो यहां की 5 सीटों पर भाजपा की जीत तय हो चुकी है। इनमें गोरखपुर से साधना सिंह, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, मऊ से मनोज राय और बलरामपुर से आरती तिवारी का नाम शामिल है। वहीं सपा के हिस्से में सिर्फ इटावा ही आया है, जहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव का निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन भाजपा की बढ़त ने सपा की बौखलाहट बढ़ा दी है और अब बाकी की 57 सीटों पर खुद अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं। पर्चा दाखिल नहीं कर पाने वाले 11 उम्मीदवारों को हटाकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को जीतने के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं। अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष पद का निर्वाचन होना है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था कि सभी समाजवादी पार्टी में आस्था विश्वास रखने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया था और निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष आप लोगों को बनाना है अमेठी का। और अब भाजपा को रोकने के लिए सपा कांग्रेस की मदद भी ले सकती है। वैसे भी कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जो भाजपा को हराएगा वो उसका समर्थन करेगी। अब रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और अमेठी में समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं शीलम सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह की पत्नी हैं, वहां पर कांग्रेस के 3 जिला पंचायत सदस्य हैं और अब वो 3 जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट करेंगे। शायद ऐसी बातचीत हुई है, ऐसी रणनीति बनी है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़े सियासी चैलेंज या हम कहें तो सियासी समीकरण का संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं। मतलब साफ है कि पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव तक का संदेश दिया जा रहा है, जब भाजपा इसे जीतकर 22 की जंग में एज लेना चाहती है।
वहीं सपा भाजपा को ये बताना चाहती है कि एक चौथाई सीट जीत लेने से अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। पंचायत 75 का फाइनल विजेता कौन होगा, ये 3 जुलाई को 57 सीटों पर चुनाव के बाद ही साफ होगा। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, जो कुछ इस वक्त यूपी के जिला पंचायत चुनाव में घट रहा है उसको लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। सपा भाजपा पर आरोप लगा रही है तो भाजपा सपा को उसके पुराने दिन याद दिला रही है। दरअसल यूपी की राजनीति में इस वक्त जो भी हो रहा है वो यूपी की राजनीति का वो स्याह सच है जिससे ना सपा मुंह मोड़ सकती है और ना भाजपा, क्योंकि सच तो ये है कि यूपी में सत्ता बदली है, तारीख बदली है, लेकिन निर्विरोध चुनाव जीतने का फॉर्मूला वही है। ये रिपोर्ट देखिए और खुद तय कीजिए क्या जो हो रहा है वो ठीक है या फिर जो पहले होता रहा है वो ठीक। सत्ता बदली, दिन बदले, तारीख बदली, लेकिन नहीं बदली तो तस्वीर। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ नाम का है, सत्ता जो कहे उसके हिसाब का है? इन तस्वीरों को देखकर तो हो सकता है यही लगे, लेकिन यूपी की सियासत का ये वो स्याह सच है जो ना कल बदला था और ना आज बदला है। फर्क बस इतना था कि तब सत्ता में सपा थी, इस बार भाजपा है। तब सपा को जीत की भूख थी, इस बार भाजपा निर्विरोध जीत की भूखी है, क्योंकि शनिवार को गोरखपुर में जो कुछ हुआ वो पहले भी हुआ। ठीक ऐसा ही दृश्य कलेक्ट्रेट के पास घटा था, तब सपा समर्थकों ने भाजपा समर्थक पवन सिंह को पीटा था, इस बार भाजपा के समर्थकों ने सपा के पारस यादव को पीटा है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 18 सीटों पर भाजपा ने जिस तरह अपने प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के रास्ते खोले हैं वो 2022 की विधानसभा चुनाव का रोड मैप है। भाजपा ने एकमात्र विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए बाकी की सारी सीटें जीतने के लिए भी जोर आजमाई शुरू कर दी है। कोशिश ये की जा रही है कि 29 तारीख को नाम वापसी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को मैदान से हटवा दिया जाए। अगर ऐसा होता है और भाजपा के पास 60 से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं तो भाजपा को जमीनी नेटवर्क बनाने का लाभ मिलेगा और 2022 की विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर परिणाम हासिल कर सकेगी। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसे चुनाव का फायदा ही क्या है, क्योंकि हर बार सरकार अपने हिसाब से अपने निजी फायदे के लिए मैनेज करती रही और राज्य चुनाव आयोग पर मैनेज होने के आरोप लगते रहे। जरा सोचिए, यूपी में 12 जिलों में उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए जबकि 6 जगह पर्चा खारिज कर दिया गया, तो क्या मान लिया जाए कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वही जीतेगा जिसकी सत्ता होगी? लेकिन कुछ भी कहिए, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी इन चुनाव में अगर बढ़त हासिल करती है तो कम से कम उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का मनोबल तो बढ़ता ही है और आगे चल के वो ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर ज़िले में या कई ज़िलों में उनकी अगर बढ़त है तो आगे चल के जो चुनाव होंगे यानी कि विधानसभा चुनाव, उसमें उनके लिए एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्योंकि मौजूदा सत्तारूढ़ी दल जो कर रहा है वो कोई